नमस्कार भक्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। भक्तों, अगर आप सभी अपने जीवन में कुछ नया करना चाहते हैं तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन ऑन जरूर कीजिएगा ताकि सर्वप्रथम आप सभी को आपके चैनल के वीडियो के नोटिफिकेशन सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। साथ ही आज की वीडियो में हम आप सभी को ज्योतिष शास्त्र के कुछ अद्भुत ज्ञान बताने जा रहे हैं। तो भक्तों, इस वीडियो को आप सभी अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, कहा जाता है कि इन पांच अक्षरों में से किसी भी एक अक्षर से जन्म लेने वाला व्यक्ति जन्म से ही मालिक होता है। दोस्तों, इन नामों में कहीं आपका भी नाम तो शामिल नहीं है। तो भक्तों, इस वीडियो को आप सभी अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो उस व्यक्ति का जन्म से ही नामकरण कर दिया जाता है। जिस व्यक्ति का जन्म से ही नाम रखा जाता है उसी नाम से दुनिया उस व्यक्ति को जानती है और उसी नाम से उसे बुलाती है। आप लोगों ने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि नाम में क्या रखा जो भी बुला लो, लेकिन वास्तव में ये तर्क बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के नाम में बहुत ही कुछ रखा होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी भी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर उनके जीवन पर बहुत ही ज्यादा असर डालता है। किसी भी व्यक्ति के नाम के पहले अक्षर से हमें बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होती हैं। ये बात तो आप सभी लोगों को पता होगा कि जब व्यक्ति किसी भी स्कूल में शुरुआत में पढ़ाई करने जाता है तो सबसे पहले उस व्यक्ति का नाम पूछा जाता है। परंतु कुछ व्यक्ति जन्म से ही मालिक रहते हैं। आज के इस वीडियो में हम ऐसे पांच अक्षरों के नाम वाले व्यक्तियों के बारे में बताने जाएंगे जिनका जीवन भाग्यवान रहता है, जो हमेशा मालिक बनने का सपना देखते हैं और अपने सपने को हमेशा पूरा भी करते हैं। तो दोस्तों, आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में अपने इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि सर्वप्रथम उन्हें भी इसकी जानकारी हो, और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें। इससे क्या होगा कि आपको हमारे आने वाले वीडियो सर्वप्रथम प्राप्त होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कहते हैं सबसे पहले सी नाम वाले लोग, जिन व्यक्तियों का नाम सी से प्रारंभ होता है, इस नाम वाले व्यक्ति अधिकतर कारोबार के बारे में ही अधिक सोचते हैं, क्योंकि इस नाम वाले व्यक्ति कभी भी दूसरों का काम करना पसंद नहीं करते। ये लोग अपना खुद का पर्सनल काम आरंभ करने के बारे में हमेशा विचार करते हैं। इनकी इसी सोच की वजह से ये लोग नौकरी नहीं करते, बल्कि मालिक बनने के लिए इनका जन्म होता है। दोस्तों, दूसरा है एच नाम वाले लोग। कहते हैं जिन व्यक्ति का नाम एच से प्रारंभ होता है, ये हमेशा किसी न किसी काम को चालू करने के बारे में सोच विचार या धन निवेश करने के बारे में सोचते रहते। दोस्तों, ये कारोबार के क्षेत्र में काफी प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं और ये अपना खुद का काम करना अधिक पसंद करते हैं। तीसरा है एम नाम वाले लोग, जिन व्यक्ति का पहला अक्षर नाम का एम से प्रारंभ होता है, ये बहुत ही ज्यादा चतुर और बुद्धिमान होते हैं। ये कोई भी काम अपने दिमाग से करते हैं और ये साहसी भी होते हैं। लोग अपने आप को किसी से भी कम नहीं समझते हैं। नाम वाले व्यक्ति खुद का अपना कारोबार कर देते हैं। दोस्तों, आगे कहते हैं एस नाम वाले लोग। कहते हैं जिन व्यक्ति का नाम का पहला अक्षर एस से शुरू होता है, ये लोग मालिक बनने के लिए ही पैदा होते हैं, और इस बात की पुष्टि ज्योतिष शास्त्र में भी की गई है। ये लोग आगे चलकर अपना खुद का व्यवसाय स्थापित करते हैं और ये लोग जन्म से ही मालिक होते हैं, और ये लोग कभी भी किसी दूसरे की नौकरी पसंद करना नहीं करते हैं। ये लोग अपना पूरा जीवन अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने में लगा देते हैं। अंत में हम आपको बता दें, वी नाम के अक्षर वाले लोग, ये काफी मेहनती होते हैं और इनका जो नाम का अक्षर है वो बहुत ही पावरफुल होता है और ये बहुत ही हर काम के प्रति शक्तिशाली होते हैं। ये नाम वाले लोग अपने मुकाम को बहुत ही शीघ्र प्राप्त करने में अग्रसर रहते हैं। ज्यादातर इस नाम के लोग व्यवसायिक क्षेत्र से ही जुड़ जाते हैं, और भक्तों, ऐसे लोग भी मालिक बनकर ही रहते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपको ऐसे पांच अक्षर वाले लोगों का नाम बताया है जो जन्म से मालिक रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका नाम भी इन पांच अक्षरों में से किसी से शुरू होता है तो कभी ना कभी आप भी मालिक बनेंगे और आपका भाग्य चमकेगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी? आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि सभी को यह जानकारी प्राप्त हो जाए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर करें ताकि सर्वप्रथम
आपको वीडियो प्राप्त हो जाए। हम मिलेंगे इसी तरह के और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।